राज्य में सृष्टि की असंख्य चीजें पुनः जीवित होना और अपनी जीवन शक्ति फिर से प्राप्त करना आरंभ करती है। पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तनों के कारण एक भूमि और दूसरी भूमि के बीच की सीमाएं भी खिसकना शुरू करती है। पूर्व काल में मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं, जब भूमि से भूमि विभाजित हो जाती है और भूमि से भूमि संयुक्त हो जाती है, तो यही वह समय होगा जब मैं राष्ट्र को तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस समय मैं सारी सृष्टि को फिर से नया करूंगा और समस्त ब्रह्मांड को पुनः विभक्त करूंगा। इस प्रकार पूरे विश्व को व्यवस्थित रूप से रखूंगा और इसकी पुरानी अवस्था को नए में रूपांतरित कर दूंगा। यह मेरी योजना है, ये मेरे कार्य है। जब संसार के सभी राष्ट्र और लोग मेरे सिंहासन के सामने लौटते हैं, तो उसके बाद मैं स्वर्ग के सारे उपहारों को लेकर उन्हें मानवीय संसार को दे दूंगा, ताकि मेरे कारण वह बेजोड़ उपहारों से लबालब भर जाएगा। किंतु जब तक पुराना संसार निरंतर बना रहता है, मैं सारे विश्व में खुले तौर पर अपनी प्रशासनिक आज्ञाओं की घोषणा करते हुए अपने प्रचंड प्रकोप को इनके राष्ट्रों के ऊपर तेजी से फेंकूंगा, और जो कोई उनका उल्लंघन करता है उनको ताड़ना दूंगा। जैसे ही मैं बोलने के लिए विश्व की तरफ अपने चेहरे को घुमाता हूं, सारी मानव जाति मेरी आवाज को सुनती है और उसके बाद उन सभी कार्यों को देखती है जिसे मैंने समूचे ब्रह्मांड में गढ़ा है। वे जो मेरी इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, अर्थात जो मनुष्य के कार्यों से मेरा विरोध करते हैं, वे मेरी ताड़ना के अधीन नीचे गिर जाएंगे। मैं स्वर्ग के असंख्य तारों को लूंगा और उन्हें फिर से नया कर दूंगा, और मेरे कारण सूर्य और चंद्रमा को नया बना दिया जाएगा। आकाश अब और वैसा नहीं रहेगा जैसा वह था। पृथ्वी पर बेशुमार चीजों को फिर से नया बना दिया जाएगा। मेरे वचनों के माध्यम से सभी पूर्ण हो जाएंगे। विश्व के भीतर अनेक राष्ट्रों को नए सिरे से विभक्त कर दिया जाएगा और मेरे राष्ट्र के द्वारा बदल दिया जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी के राष्ट्र हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे और एक राष्ट्र बन जाएंगे जो मेरी आराधना करता हो। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को नष्ट कर दिया जाएगा और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विश्व के भीतर मनुष्यों में वे सभी जो शैतान से संबंध रखते हैं, उनका सर्वनाश कर दिया जाएगा। वे सभी जो शैतान की आराधना करते हैं, उन्हें
जलती हुई आग के द्वारा नीचा दिखाया जाएगा, अर्थात उनको छोड़कर जो अभी इस धारा के अंतर्गत है, बाकियों को राख में बदल दिया जाएगा। जब मैं बहुत से लोगों को ताड़ना देता हूं तो वे जो भिन्न भिन्न अंशों में धार्मिक संसार में हैं, मेरे कार्यों के द्वारा जीत लिए जाकर मेरे राज्य में लौट आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक श्वेत बादल पर सवार पवित्र जन के आगमन को देख लिया होगा। समस्त मानवता अपने अपने स्वभाव का अनुसरण करेगी और जो कुछ उसने किया है उससे भिन्न भिन्न ताड़नाएं प्राप्त करेगी। वे जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं सभी नष्ट हो जाएंगे। जहां तक उनकी बात है जिन्होंने पृथ्वी पर अपने कार्यों में मुझे शामिल नहीं किया है, वे क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार अपने आप को दोष मुक्त किया है, पृथ्वी पर मेरे पुत्रों और मेरे लोगों के शासन के अधीन निरंतर बने रहेंगे। मैं अपने महान कार्य की समाप्ति की घोषणा करने के लिए पृथ्वी पर अपनी ध्वनि आगे करते हुए अपने आप को असंख्य लोगों और असंख्य राष्ट्रों के सामने प्रकट करूंगा, ताकि समस्त मानव जाति अपनी आंखों से देखे। जैसे जैसे मेरी आवाज उत्सुकता में गहरी होती है, मैं विश्व की दशा का भी अवलोकन कर रहा हूं। मेरे वचनों के माध्यम से सृष्टि की असंख्य चीजों को नया बनाया जाता है। स्वर्ग बदलता है और पृथ्वी भी बदलती है। मानवता अपने मूल रूप में उजागर होती है और धीरे धीरे प्रत्येक अपने स्वभाव के अनुसार उजागर होता है और मनुष्य अकस्मात ही अपने अपने परिवारों के आंचल में जाने के लिए अपना रास्ता ढूंढ लेता है। इस पर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। मैं विदारण से मुक्त हूं। अकस्मात ही मेरा महान कार्य संपूर्ण हो जाता है। अकस्मात ही सृष्टि की सभी असंख्य चीजें रूपांतरित हो जाती हैं। जब मैंने संसार को बनाया था, तब मैंने सभी चीजों को उसके स्वभाव के अनुसार तराशा था और प्रत्येक गोचर रूप की हर चीज को उसके स्वभाव के साथ एक साथ इकट्ठा किया था। ज्यों ही मेरी प्रबंधन योजना का अंत नजदीक आएगा, मैं सृष्टि की भूतपूर्व दशा पुनः स्थापित कर दूंगा। मैं प्रत्येक चीज को गहराई में बदलते हुए हर चीज को उसी प्रकार पुनः स्थापित कर दूंगा जैसी वह मूल रूप से थी, ताकि हर चीज मेरी योजना के आंचल में वापस लौट जाए। समय आ चुका है। मेरी योजना की अंतिम अवस्था लगभग पूरी होने ही वाली है। आ पुराना अपवित्र संसार, तुम निश्चित रूप से मेरे वचनों के अधीन आ जाओगे।
मेरी योजना के द्वारा तुम निश्चित रूप से मिटा दिए जाओगे। आ सृष्टि की असंख्य चीजें, तुम सभी को मेरे वचनों के भीतर नया जीवन मिलेगा। अब तुम्हारे पास एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभु है। आ शुद्ध और निष्कलंक नया संसार, तुम निश्चय ही मेरी महिमा के भीतर पुनः जीवित हो जाओगे। आ सियोन पर्वत, अब और मौन मत रह, मैं विजयोल्लास में लौटा हूं। सृष्टि के बीच से मैं सारी पृथ्वी का सूक्ष्म परीक्षण करता हूं। पृथ्वी पर मानव जाति ने एक नए जीवन की शुरुआत की है और एक नई आशा को जीत लिया है। आ मेरे लोगों, तुम लोग मेरे प्रकाश के भीतर जीवन में वापस कैसे नहीं आ सकते हो? तुम लोग मेरे मार्गदर्शन के अधीन आनंद से उछल कैसे नहीं सकते हो? भूमियां उल्लास में चिल्ला रही है, जल कल कल की आवाज के साथ आनंद से ठहाका मारकर हंस रहे हैं। आ पुनर्जीवित इसराइल, मेरे द्वारा पूर्व नियति के कारण तुम क्यों गर्व महसूस नहीं कर सकते हो? कौन रोया है? किसने विलाप किया है? पुराना इसराइल समाप्त हो गया है और आज का इसराइल संसार में उदय हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है और ऊंचा उठता जा रहा है और समस्त मानवता के हृदय में उठ गया है। आज का इसराइल मेरे लोगों के माध्यम से अस्तित्व के स्रोत को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। आ घृणित मिस्र, निश्चित रूप से तू अभी भी मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं होता है? तू कैसे मेरी दया का लाभ उठा सकता है और मेरी ताड़ना से बचने की कोशिश कर सकता है? तू मेरी ताड़ना के भीतर कैसे अस्तित्व में बना नहीं रह सकता है? वे सभी जिनसे मैं प्रेम करता हूं, वे निश्चय ही अनंत काल तक जीवित रहेंगे और वे सभी जो मेरे विरुद्ध खड़े होते हैं, उन्हें निश्चय ही मेरे द्वारा अनंत काल तक ताड़ना दी जाएगी, क्योंकि मैं एक ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं। मैं उन सब के कारण जो मनुष्यों ने किया है, उन्हें हल्के में नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी पृथ्वी पर निगरानी रखूंगा और संसार की पूर्व दिशा में धार्मिकता, प्रताप, कोप और ताड़ना के साथ प्रकट हो जाऊंगा और मैं मानवता के असंख्य मेजबानों पर स्वयं को प्रकट करूंगा। परमेश्वर
भी नहीं है जो परेशान कर सके उसे। परमेश्वर का महान कार्य हो जाता है पूरा इससे पहले कि कोई जान सके, इससे पहले कि खबर हो स्वरूप था चीजों का।